आई थिंक ट्रैवलिंग बेसिकली आपका वही है कि आप यूजली uh, अपनी ज़िंदगी में होते हो तो आप बहुत अपने ही लाइफ पे फोकस करते रहते हो right कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है आप इसी इसी uh, जगह पे जहाँ आप बड़े हुए हैं उसी के इर्द गिर्द मतलब आपके ख्याल भी घूमते रहेंगे तो जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे इस लाइफ के अलावा ये दुनिया कितनी बड़ी है कितने लोग हैं कितनों के अलग लाइफ स्टाइल्स हैं और ट्रैवल इसलिए कहते हैं कि आपका माइंड ओपन करता है क्योंकि कई बार मतलब हमको जो घर पे सिखाया जाता है हमको लगता है वही सही है तो हमारे पेरेंट्स ने हमको कहा कि इंसान को ऐसे ही यू नो लिव करना चाहिए जॉब करना चाहिए नाइन टू फाइव करना चाहिए यही लाइफ होती है और आप बाहर जाओगे आप देखोगे कि यू you नो know, कोई लोग अलग कुछ कर रहे हैं कोई फिशिंग कर रहा है कोई कुछ कर रहा है और खुश है और अपना लाइफ जी रहा है और तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो सिर्फ वही पाथ नहीं है इंसान कोई भी पाथ ले सकता है तो आई थिंक ट्रैवलिंग वही करता है कि आपको दिखाता है कि आपका जो आपने ही हमेशा वही देखा है आपको रियलाइज़ होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है कितने चीज़ें हैं इस दुनिया में और इंस्पा uh, तो होती ही है राइटर्स के लिए आई थिंक हमेशा से ऑब्वियसली वो आई थिंक क्लीशे भी हो गया है सब लोग देखते हैं कि यू नो राइटर्स एक वो होते हैं जो माउंटेन टॉप पर जाके मतलब कुछ शिमला में बैठे हैं लवली कॉटेज में काश ऐसा होता Uh, कि मैं भी मतलब अपने डे टू डे लाइफ से डिसकनेक्ट होकर शिमला में जाके बैठ के लिख सकती यू uh, नो you know, सुकून और शांति में रियलिटी आजकल के राइटर्स का ये है कि हम अपना लाइफ संभाल रहे हैं लाइक यू नो मैं मेरा भी बच्चा है और घर में मतलब मेड है वो कुछ कर रही है तो आप लिख रहे और, you know, के के हो और यू नो कोई आके बोलेगा कि चीनी ख़त्म हो गई है चाय पत्ती लाना है ये वो वो सब डिस्ट्रैक्शन और वो सब चलता रहेगा बट कमिंग टू ट्रैवलिंग आई थिंक जिस जब भी इंसान को अपरचुनिटी मिले ट्रैवल करने का तो लेना चाहिए बिकॉज आई थिंक दलाई लामा ने भी कहा है कि यू नो वंस इन अ इयर यू शुड स्टेप आउट एंड यू शुड गो एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट बिकॉज आई थिंक अनुभव जो कहते हैं एक्सपीरियंसेस नथिंग कम्स क्लोज टू दैट तो यू नो कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारा पैसा भी है उनके पास लेकिन वो वो मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा खर्च करना पसंद करेंगे कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए तो मैं अच्छा घर लूँगी गाड़ी यू you नो know, और घूमूँगी uh, बाहर खा मतलब खाऊँगी यू नो रेस्टोरेंट्स जाऊँगी ये वो तो वो ठीक है और यू नो डायमंड्स खरीद खरीदूँगी या ज्वेलरी या एक्सपेंसिव हैंड लेकिन आप जो आपको जो मिलेगा एक uh, ट्रिप लेने से एक ट्रैवल करने से और दुनिया देखने से नथिंग एन कंपेयर टू दैट क्योंकि वही है कि वहाँ के लोगों से बातचीत करना यू you नो know, नए लोग नए ख्याल आपका माइंड ओपन हो जाता है बेसिकली सो राइटिंग में हमेशा ऑब्वियसली मुझे तो हेल्प किया ही है बिकॉज uh, ये बुक ऑल्सो नाइनटीन आई डाई इट्स अबाउट चार लोग जो अलग यू नो जगहों से हैं लेकिन वो कैनेडा में आके मिलते हैं यूनिवर्सिटी में और मुझे ये अपरचुनिटी मिला था एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट मैंने एक सेमेस्टर कैनेडा में किया हुआ है इसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वेल्फ जहां पे ये बुक सेट है और उस एक्सपीरियंस uh, से मेरी लाइफ बहुत बदल गई थी बिकॉज मैं अभी भी जब सोचती हूँ आई थिंक वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस यही था क्योंकि मैं अपने घर से निकली थी जैसे मैंने कहा था मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव थे तो मैं पहली बार मैं अपने यू you नो know, खुद के लिए सॉट sort ऑफ of, uh, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे सब कुछ संभालना है अपने रूम की चाबी मिल गई अब मुझे सब संभालना है एज अ स्टूडेंट यू नो मेरा ये बजट है इस बजट में ही करना है बैंक का अकाउंट खोलना है सब कुछ तो वो जो इंडिपेंडेंस मिलता है आपको वो जो यू you नो know, और फिर मेरे लिए आई थिंक जो ब्यूटीफुल चीज़ थी वही थी कि मैंने वहाँ पे जो फ्रेंडशिप्स बनाए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे uh, लोकल कनेडियंस तो थे ही लेकिन कुछ लोग थे एक यू you नो know, कोई फ्रांस से आया हुआ था कोई तो मेरे तरह एक्सचेंज स्टूडेंट्स और हम सब के बीच कभी कभी लैंग्वेज बैरियर भी था को, इन लोगों को इतना फ्लुएंटली uh, इंग्लिश भी नहीं आती यू नो काफ़ी लोगों को नहीं आती थी तो हम बट uh, फिर भी हम सब लोग फ्रेंड्स बन गए थे क्योंकि वो एक्सपीरियंस हम सब सेम था कि हम घर से अलग यू you नो know, दूर थे और uh, वहीं वहाँ न्यू इन्वायरमेंट में थे तो उस यू नो डिस्पाइट इतने अलग बैकग्राउंड से होने के बाद भी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और तभी रियलाइज़ होता है इंसान के इंसान को कि हम अपने मन में इतने डिफरेंसेस बना लेते हैं कि नहीं नहीं मैं इस इंसान से कभी फ्रेंडशिप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इतना अलग है मुझसे लेकिन अगर आप एक्चुअली टाइम स्पेंड करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि इंसान इंसान होता है तो आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ बट आपका वो दिल बड़ा होना चाहिए और आपको वो सॉट ऑफ होना चाहिए कि मैं लोगों तो को चांस दो सो uh, so, ट्रैवलिंग हमेशा ये करेगा आपके लिए